नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई एम ओवर। सो आज मैं गई थी मार्केट। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अच्छे से बैठो ना। हाँ, तो मार्केट गई थी आज मैं खुद ही गई थी, क्योंकि मुझे जो सब्जी साग चाहिए था वही लेके नहीं आते रहते हैं। तो मेरा मन किया कि चलो आज हम ही चले जाते हैं। तो मैं देख सकते हो इतना सारा सब्जी लेके आई हूँ, यहाँ पे देख सकते हो एक हफ्ता से ज़्यादा की सब्जी। मैं जाती हूँ ना तो मैं कुछ ज़्यादा ही ले लेती हूँ। और इसके बाद फिलहाल मैं गई थी इसके लिए, यहाँ पे दिखाती हूँ, इसके लिए गई थी। ये है सरसों साग है, जो हम लोगों में मतलब हमारे गांव में बहुत अच्छा बनता है, मतलब बनाते हम लोग। और यहाँ पे भी हूँ मैं तो मुझे खाने का मन करता है कि चलो हम सरसों साग बनाते हैं। तो इसके लिए मैं ये गई थी। इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा कोई भी साग पसंद है। फिलहाल इसका सीज़न है अभी, फिर बाद में हमें नहीं मिलती, हर साल नहीं मिलती है। मतलब एक साल में इसी मंथ में मिलती है, मतलब हर दिन नहीं मिलती, अभी इसकी सीज़न है। तो मैं ये साग लाई और इसके बाद जितना सब्जी होता है सब इतना सारा आप देख लो। और इसके बाद और एक और था जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, गाजर। मैं गई थी ये दोनों के लिए स्पेशली, ताकि मैं गाजर का हलवा बनाऊँ और आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूँ मैं थोड़ा बहुत जितना हो पाएगा। मैं कैसे बनाती हूँ बस थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा का टाइम नहीं रहता है, खुद ही मोबाइल पकड़ना रहता है तो उतना टाइम नहीं रहता। पर हाँ, मैं जितना शेयर कर पाऊँगी उतना मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो ब्लॉग में बने रहिएगा। और चलिए फिलहाल इनके लिए मैं नाश्ता बनाती हूँ, और क्या मैं नाश्ता बनाई हूँ वो भी मैं आपको यहाँ पर देख सकते हो। ये जो चना है उसमें मैं चना रात में मैं भिगो दी थी, और अभी इसमें प्याज, धनिया पत्ता, अदरक, लहसुन, जीरा, मिर्ची, जितना भी सूखा मसाला था सब, नींबू ऊपर से डाल के बहुत यम्मी बन गया है ये चाट की तरह। तो इनको मैं नाश्ता में दी हूँ चाट, ये चाट सॉरी, ये चना का जो कुछ होता है वो मैं बना के उसको इनको दी हूँ। और अभी ये खाएंगे और इसके बाद हम चलते हैं, अभी खाना बनाएंगे और गाजर का हलवा बनाने की प्रोसेस में। सो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोगों को देखने को सब कुछ मिलेगा। ओके, तो चलिए चलते हैं, इनको फिलहाल दे देते हैं चम्मच। सो चलिए हम गाजर का हलवा बनाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो गाजर को मैं अच्छे से धो ली हूँ, मैं छीली नहीं हूँ, क्योंकि साफ गाजर था। थोड़ा सा एक गंदा वाला गाजर आ रहा था जिसमें कुछ लगा रहा था, उसको मैं छीलती हूँ, पर ये बहुत अच्छा साफ था। तो इसमें जो थोड़ा बहुत रस्सी टाइप का था उसको मैं निकाली हूँ और अच्छे से धो के इसको कट कर ली हूँ। और यहाँ पर मेरी सब्जी भी बन रही है, और यहाँ पर देख सकते हो मैं छोटे छोटे टुकड़े में कट ली हूँ, क्योंकि मैं कुकर में बनाने वाली हूँ इसके लिए। और यहाँ पर देख सकते हो कुकर में थोड़ा सा मैं घी ली हूँ, और इसको सिर्फ अभी हम घी थोड़ा ही डालें, फिर हम बाद में अच्छे से घी डालेंगे ज़्यादा करके। तो यहाँ पे जितना भी गाजर हम कट किए थे उस सब को हमें डालनी है, और इसमें हमें 4-5 सीटी लगने देनी है। ओके, तो ये करना है आपको। यहाँ पे सब्जी भी मेरी बन रही है, और इसके बाद देख सकते हो सीटी लग चुकी थी। तो इसके बाद कुछ गिलासे या जो हम लोगों में होता है जिसे दाल घोंटते हैं, उससे आपको उसको अच्छे से मिला देनी है, ताकि ऐसे देख सकते हो हलवा टाइप का हो गया था। फिर इसके बाद मैं दूध डाली, और दूध डाली जितना चाहिए हो आपको, जितना लगेगा उतना दूध डालना आप। और फिर इसके बाद मैं उसमें मलाई डाली, और यहाँ पे ना मेरे बच्चे स्पेशली बोले थे कि मम्मा प्लीज़ आप उसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डालिएगा। तो उन लोगों की फरमाइश पे मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं डाली। यहाँ पे आप डाल सकते हो, बहुत अच्छा होता, पर मेरे बच्चे ने बोले मैं डालती थी पिछले सारे गाजर का हलवा जितना भी बनाए थे मैं उस समय डाली थी, पर उन लोगों को नहीं पसंद है, वो सब हटा कर फेंक देते हैं कि मम्मा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मन से नहीं खाते हैं। स्पेशली आई बोली थी कि मम्मा प्लीज़ मत डालिएगा, मैं बोली चलो नहीं डालेंगे। तो इस बार मैं ड्राई फ्रूट्स इग्नोर की हूँ, आप ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पे मेरा हलवा वलवा बन के बहुत अच्छा से बहुत यम्मी बना था, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कुकर में सीटी लग जाए 4-5 सीटी के बाद, उसको आप गिलास से या जो दाल घोड़ते हैं उसे अच्छे से आपको मिला लेनी है, हलवा हो जाए। फिर उसमें आपको दूध डालनी है, फिर उसको पकानी है, फिर आपको जितना दूध चाहे वो डालना, फिर घी डालना। और यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छी, ऊपर से घी ज़रूर डालिएगा। मेरी बन के रेडी है। मॉर्निंग तो कब का हो गए, पर अभी मॉर्निंग हुई है, क्योंकि अभी हमें हम जा रहे हैं गर्म पानी पीने और चाय पीने, बच्चे के वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है सुबह, क्योंकि उठना पड़ता है। और इसके बाद वो लोग चले जाते हैं, तभी हम बैठ के आराम से पानी वानी चाय सब पीती हूँ। और रात में मैं तेल लगाई थी क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा था। आप लोग भी सोचोगे कितना इसका सर दर्द होता है, तो सच में मेरा हर दिन सर दर्द ही होता है, मैं बिना दवा खाए नहीं रह सकती, तो ऐसा होता मेरे साथ। तो यहाँ पर मैं गर्म पानी ले रही हूँ, उसमें थोड़ा सा नींबू मिला के, क्योंकि मेरी स्किन पर आजकल पता नहीं क्यों दाने वाने ऐसे, मोबाइल में क्लियर दिख रहा है पर हकीकत में ना ऐसे, मतलब कुछ कुछ दाने वाने, गौर से आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा हल्का हल्का,
तो नींबू स्किन के लिए अच्छा होता है, इसके लिए मैं सोची कि नींबू पानी पी लेती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो हमारी चाय बन के, तेज पत्ता और अदरक वाली यहाँ पे देख सकते हो बन के रेडी है। तो चलिए मैं पहले आ चाय। गई हमारी चाय, यहाँ पे देख सकते हो पूरा अदरक और तेजपत्ते वाली। तो इसी चाय के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, और आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, और जिनको जिनको चाय पीनी है वो आ सकते हैं। सो बाय बाय।